हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो बिजनेस हम लेके आ चुके हैं, जो मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं, तो बिजनेस जो रहने वाला है वो बिजनेस है आपका महिलाओं से डायरेक्टली संबंधित है। महिलाएं आराम से इसमें काम कर सकती हैं भाई। इतना आसान सा और कम बजट में होने वाला ये जो बिजनेस है ना, इसके बारे में आज पूरा मैडम से जानेंगे। बहुत ही लो बजट में ये स्टार्ट कर सकते हो। घर पे जो महिलाएं हैं वो अपना आराम से, अगर 3 से 4 घंटे काम करती है ना, वो आराम से 2 से 3 हजार रुपये डे का कमा सकते हैं भाई। आज का जो बिजनेस है तो मैडम से जानते हैं, पूरी जानकारी लेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में इसी जोश के साथ। तो मैडम नमस्कार। सबसे नमस्कार सर पहले तो मैडम ये बताइएगा कि हम कौन सी कंपनी में और कहाँ जी। पे हैं। हाँ, हमारी जो कंपनी होने वाली है दिल्ली राजधानी पार्क में, हमारी कंपनी है नियर बाय मेट्रो स्टेशन, आप सभी ने सुना होगा, मुंडका होने वाला है। जी मैम, हमारी कंपनी का नाम होने वाला है केसे इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि सबसे बढ़िया कंपनी होने वाली है, इंटरनेशनल कंपनी होने वाली है। जी मैम, तो ये बताइएगा मैम, जैसे मैंने बोला कि ये महिलाओं से, मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं से संबंधित ये बिजनेस रहने वाला है। बहुत अच्छा बिजनेस है, घर में बैठी जो महिलाएं हैं वो आराम से इसमें बिजनेस कर सकते हैं। तो मैम ऐसा क्या बिजनेस है, क्या ये छोटी सी मशीन रहने वाली, बहुत प्यारी सी मशीन जो रहने वाली है, किस चीज की मशीन है ये? ये जो मशीन आप देख रहे हो छोटी सी मशीन है होने वाली है, ये होने वाली कॉटन वीट की सर, कॉटन रुई वीट बनाने वाली मशीन होने वाली जी है सर। जी जी, तो ये जो मतलब छोटी छोटी जो बत्तियां आती हैं जी, जो भगवान की पूजा में प्रयोग होती हैं, जी तो आप शायद उसी की बात कर रहे हो। जी सर बिल्कुल, ये एक ऐसी रुई बनाने वाली मशीन होने वाली है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होने वाली है। ये मशीन एक ऐसी मशीन है सर, रुई तो आप सभी को पता होगा पूजा पाठ करने में यूज किया जाता है, यानी जब तक हमारा धर्म है तब तक बिल्कुल ये बिजनेस सर चलने वाला है। बिल्कुल, जी तो पूजा पाठ में दोस्तों ये यूज होने वाली चीज है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आराम से आप जब ये कॉटन खरीदते हो और उसमें जो पीसीज आते हैं बहुत कम पीसीज दिए जाते हैं, और साथ ही साथ एक छोटा सा सेटअप भी मैं बता दूं, अगर आप उसको खुले में तो नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर विक यहाँ से बनाई है आपने तो यहाँ देखिएगा ये पूरी सेल लगा रखी है, यहाँ पर 700 रुपये से सीलिंग वाली यानी जो पैकिंग वाली मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है, तो आप वो भी ले सकते हैं उसके साथ ही साथ। तो मैडम अगर ये बात करें इसके फीचर्स के बारे में बताइएगा, थोड़ा प्रोडक्शन बता दो इसका कितना रहता है। इस छोटी सी मशीन की हम बात करें प्रोडक्शन की, तो ये 1 मिनट में आपको 60 पीस बनाकर देने वाली है। 1 मिनट में अगर जी ये सर, 60 पीस बनाती है तो कहने का मतलब 1 घंटे में तो 3600 पीस बना हाँ जी देगी। सर बिल्कुल, तो 1 घंटे में दोस्तों देख रहे हो 3600 पीस ये बना देगी। अगर एक पैकेट अगर आप तैयार भी करते हो, अगर मान लीजिएगा 3 से 4 मिनट में एक पैकेट आपका तैयार हो जाएगा, तो एक पैकेट पे अगर आप 1 रुपया 2 रुपया भी बचाते हो, तो मान लीजिएगा अगर घंटे में 60 मिनट होती हैं तो 12 पैकेट आपके तैयार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आप 1 घंटे में ही आपका प्योर प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल अलग चीज होती है, प्रॉफिट की ही बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट आराम से आपका 200 से 250 रुपये आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डे का प्रॉफिट बात करें तो इस हिसाब से मैडम ज्यादा ही प्रॉफिट हो जी जाएगा। सर बिल्कुल ठीक है, तो ये बात तो सही होगी, प्रोडक्शन बता दिया मैम। ये लग रहा मुझे बिजली क्या रहने वाली है इसमें, कितनी ये खपत सर, रहेगी? हाँ ये सर घर की बिजली पर, छोटी सी मशीन है, आप घर की बिजली पर हाँ नॉर्मली मशीन चला के हिसाब सकते से ही दिख हो। रहा हाँ है कि जी सर, छोटी सी मशीन है, हाँ आराम से चल जाएगी बिजली जी सर पर, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है जो घर में आपकी जो जूस निकालने वाली मशीन होती है तो उसी हिसाब से ये बिजली लेने वाली है, ये ज्यादा बिजली नहीं लेने वाली है। ठीक जी है, सर, तो आप एक सेटअप लगाना चाहते हो तो एक सेटअप लगा लो, अगर आप चाहते हो कि भाई इसके 5 6 मशीन लेंगे हम और आसपास की औरतों को इकट्ठा करके और इस पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो कोई अच्छा खासा जिसके पास पैसे अच्छे खासे हैं वो भी एक प्लांट बना के इसका बहुत अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और बहुत अच्छा बिजनेस भी रहने वाला है, क्योंकि भगवान की पूजा तो मैडम कभी जी बंद नहीं सर होगी, तो भगवान की पूजा बंद नहीं होगी तो इसका मतलब सही है, तो ये तो काम बिजनेस भी बंद होने वाला नहीं है, ये बिजनेस भी चलता रहेगा। तो ये सारी बात हो चुकी है। अच्छा मैडम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या रहने वाला है? अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर जी आपको इससे बड़ा प्लांट चाहिए यानी कि बड़ी मशीन चाहिए, बड़ी बड़े मशीन स्तर पर अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो जी भी आप हमारी कंपनी में विजिट कर सकते हो। हमारे पास आपको सारी मशीनें जो है मिलने वाली है, वो भी कम रेट पर। तो इससे बड़ी जी मशीन भी होती है हाँ मैम? जी सर, इससे बड़ी मशीन भी होती है। ये छोटी है, इससे हाँ बड़े जी वाली चाहिए तो जी बड़े वाली भी आपको मिल जाएगी, तो उसमें भी सुविधा बस ये रहेगा मुझे लगता है, बड़े वाली मशीन में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाता है जी तो सर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो दोस्तों जी वो भी ले सकते हो। तो वो ये सेमी ऑटोमेटिक में आती है दोस्तों, अगर आप बड़े वाली मशीन लेते हैं तो वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसमें आपको रुई डालनी है, बटन दबाना है, वो अपने आप करती चली आ जाएगी। इसमें क्या होता है, ये सेमी ऑटोमेटिक इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पर आपको हाथ से काम लेना पड़ेगा, यहाँ आप रुई डालोगे तो ये बत्तियां बना बना के यहाँ नीचे निकाल देगी, और जो फुल्ली ऑटोमेटिक रहने वाली है उसमें तो आपको क्या है कुछ नहीं, रुई डालनी है आपको और फटाफट से आपका मटेरियल बन के तैयार हो जाना है। ठीक है,
तो मैम एक बार फिर से एक बार एड्रेस बताइएगा और फिर हम अलविदा चाहते हैं। हमारी कंपनी का जो एड्रेस है दिल्ली राजधानी पार्क का, हमारी कंपनी है नियर बाय मेट्रो स्टेशन होने वाला मून का 456 किलोमीटर नंबर के सामने सर्विस रोड पर हमारी कंपनी है केसर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।